नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज बनाएंगे अरवी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर रेस्पॉन्स ज़रूर दें, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती हैं। तो देखिए, आज हम बनाएंगे अरवी की सब्ज़ी, अरवी की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है ये आधा किलो यानी कि 500 ग्राम अरवी, जिसको हमने बॉईल कर लिया है और छील लिया है। उसके बाद ये हमने एक प्याज मीडियम साइज़ का चॉप कर लिया है और 7 से 8 हरी मिर्च चॉप कर ली हैं, और ये अरवी को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और एक ये है टमाटर मीडियम साइज़ का, जो कि हमने चॉप कर लिया है। और ये हमने रखी कढ़ाई गैस पे, और उसमें हमने 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल। उसके बाद हमने डाला अजवाइन, जब हमारा ऑयल गर्म हो गया तो अजवाइन डाला है, और प्याज डाला है, प्याज हल्का सा फ्राई किया है, प्याज और लहसुन दोनों चीज़ हमने डाल दी हैं और थोड़ा सा फ्राई हो गया है। उसके बाद हमने 2 पिंच हींग डाल दी है, क्योंकि कोई अरबी जो होती है हमारी थोड़ी हैवी होती है डाइजेस्ट के लिए, तो इसलिए हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो हरी मिर्च हमने चॉप करके रखी थी वो भी हमने ऐड कर दी हैं। अब थोड़ा सा इन सबको फ्राई करेंगे, और उसके बाद टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे मसाले, मसालों का यूज़ करेंगे। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च का हमने यूज़ किया है, क्योंकि हरी मिर्च हमने काफ़ी मात्रा में डाली हुई है। और ये 1/2 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है, क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी डाली है और मिर्च लाल मिर्च बहुत कम डाली है, तो सब्ज़ी का कलर नहीं आएगा। उसके बाद हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है, और उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जब भुन गया है अच्छे से, तो हमने अरवी को भी ऐड कर दिया है, और अरवी को चलाते हुए 4-5 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। और कोई बड़ा पीस है तो उसको छोटा कर दीजिए, और ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे पीसेस चाहिए, छोटे बड़े। और यहाँ पे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है। तो हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है, और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और हमारी सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है। धनिया पत्ती ज़रूर ऐड करें, आजकल हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो धनिया पत्ती नहीं है, सब्ज़ी वाले भैया नहीं आए हैं। तो देखिए, हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, और हमने निकाल ली एक सर्विंग बाउल में, कढ़ाई में से ट्रांसफ़र कर लिया है एक सर्विंग बाउल में। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार इस तरीके से अरवी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, फैमिली में सबको पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। और फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।